पता है, मेरे तो क्षेत्र में पूरी महाराष्ट्र में आंगनवाड़ी और आशा वर्कर का आंदोलन चल रहा है। वो पगार बढ़ाना मांग रही है सर, 4,000, 5,000, 10,000 भी उनको पैसा नहीं है। तो अगर आप महिलाओं के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हमारी आंगनवाड़ी और आशा वर्कर का पगार बढ़ाइए, परमानेंट करिए और उनको पेंशन भी दीजिए। इसके बारे में सोचिए अगर आप सचमुच महिलाओं को कुछ उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। उसके बाद इन्फ्लेशन, महंगाई तो सबको पता है सर, महंगाई के बाद खिलाफ ही जब हमारी सरकार थी हमारे खिलाफ बोल बोल के ये सरकार में आए। लेकिन आप घर में जाके भाभी को पूछिए क्या सस्ता हुआ है, किसी के भी घर में जाए सर, भैया आप भी घर जाके भाभी को पूछिए आज, कुछ सस्ता नहीं हो रहा है फूड इन। हाँ हाँ, वो अपनी बाहर जाना पड़ेगा यार, रेंज नहीं आता है। हम लोगों ने इसके द्वारा 28 आंगनवाड़ी केंद्र है हजारीबाग और रामगढ़ में, 2800 का हम लोगों ने सौंदर्यीकरण किया है, उनको मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र हमने बनाया। स्कूलों में नए भवन हम लोग बनवा रहे हैं, 4 दीवारी दे रहे हैं, जहां हमारी बच्चियां जो थी वो असुरक्षित अपने को महसूस करती थी, और सब जगह हम लोग 4 दीवारी DMFT के द्वारा बना रहे हैं। ये भी हम लोगों ने कैपिटल एक्सपेंडिचर का आप लोगों को फायदा दिखाया है। ना देश की ले रही है ना प्रदेश की ले रही है सर। सर जहां सरकार सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण की बात कर रही है, वहीं संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट आई है जहां भारत में पौष्टिक खाना खाने को नहीं मिल रहा है सर। 74% भारतीयों की बहुत पहुंच से ये पौष्टिक खाना बाहर है सर। इसी के साथ सर वेस्टिंग का मामला हो सर, छोटे छोटे शिशुओं में वेस्टिंग और सेंसिंग के मामले होते हैं सर, भारत इन मामलों में भी उच्चतम है सर। वो पूछते वित्त मंत्री जी से कि हमसे भी पूछ लो कि हमारा कारोबार कैसा चल रहा है, बजट में हमारे लिए कुछ लागत कम कर देते तो बहुत मेहरबानी होती। वो दुकानदार ये भी कहता है कि आपने आशा और आंगनवाड़ी भाइयों को आयुष्मान भारत का लाभ दिया, प्लीज मुझे भी इसमें कंसीडर कर लो, कृपया मुझे भी देख लो। जो पेंशनर्स है 1,000, 1,500, 2,000, आपने भी ये मुद्दा उठाया है कई मरतबा, उन्हें एक बार फिर मायूस किया गया है। दूसरी बात आशा वर्कर्स आंगनवाड़ी वर्कर्स ये हर कुछ महीनों के बाद आंदोलन करते हैं, आप ये छोटी छोटी बच्चियों को माँ को जो प्रेग्नेंट है उनका इलाज उनका देखरेख करने का जो काम करती है, आपने उनको कहा कि हम आपको भी हेल्थ कवर के अंदर लेकर आएंगे लेकिन आपकी पगार नहीं बढ़ने देंगे। 7,000 रुपये मिलते हैं आशा वर्कर्स को, आंगनवाड़ी वर्कर को पूरी मेहनत करने के बाद भी 15,000 रुपये मिलते हैं। आज क्या वजह है कि आज उत्तर प्रदेश का नौजवान जो है वो इसराइल में जाकर मजदूरी का काम करने के लिए तैयार है, क्योंकि वहां पर 1,37,000 रुपये सिर्फ मजदूरी करने के लिए उसे मिल रही है, और यहां पर हम 15,000, 7,000, 2,000 रुपये EPS पेंशन के नाम के ऊपर, आशा वर्कर्स के नाम के ऊपर हम दे रहे हैं। एक मिनट अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, बहुत चुभने वाली बात है, चुभने वाली इसलिए है कि बैंक और राइट ऑफ जो किया जा रहा है बड़े बड़े उद्योगपतियों का, यह आंकड़ा फाइनेंस मिनिस्टर को यकीनन पसंद नहीं आएगा। मैं माताओं बहनों की बात करने वाले लोगों से कहती हूँ, जिनको इस बात का दुख है कि आंगनवाड़ी आशा बहनों को आयुष्मान भारत का लाभ मिल रहा है, उनसे बतला दूं कि जब कांग्रेस का शासन था तो उसी आंगनवाड़ी की दीदी को 750 रुपए मिलता था, तब इनका दिल नहीं दहलता था। आज मोदी 4,500 रुपया भी दे रहे हैं, सालाना 5,00,000 रुपए के आयुष्मान भारत का कवच भी दे रहे हैं, तब इनके मुख से एक शब्द मोदी जी को आभार व्यक्त करने के लिए नहीं फूटा। ये द्वेष की भावना से काम के उत्थान की कल्पना के साथ काम करते हैं। आज उसी उत्थान की गाथा में अमेठी में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से 6,00,000 लोग जुड़े हैं, और मात्र एक जनपद में 28 करोड़ रुपया सिर्फ जन आरोग्य योजना का बटा है। सर मैं काइंडली सी द आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड आंगनवाड़ी हेल्पर्स आर बीइंग प्रोवाइडेड meager salary, not even salary, only honorarium. And that too, the government of India's contribution, according to the answer supplied by the Honorable Minister, is just 4,500 from the government of India contribution for Anganwadi workers, and for Anganwadi helpers, it is just 2,700 rupees per month. Sir, the work entrusted with Anganwadi workers and helpers and the responsibilities entrusted with them is very huge.
It is very disproportionate. The honorarium provided to the Anganwadi workers and helpers is very, very meager, and it is disproportionate to the work entrusted with them. So the last time the honorarium is revised on 1st October 2018, that is 3,000 rupees has been enhanced to 4,500 rupees per annum as the contribution of Government of India. Sir, the work of, I am not detailing the work done by the Anganwadi workers and helpers. 3 pages answer submitted by the Honorable Minister itself is giving that numerous responsibility is being entrusted with the, but the salary or the honorarium is very meager, sir. The preschooling activities of the children below the age of 3 to 6 years and the growth monitoring of the children and the mother's care, mother nutrition and health program between the 15 and 49 age and take home ration for the pregnant women and lactating mother and this Amrita Nutrimix program, community based meeting toys in 1 month, all these, sir, all these works are being done by, yes sir, all by these workers. So my specific question, madam, is through you, sir.